हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया एक वीडियो के साथ, एक ऑर्डर के साथ। जैसे कि सबको पता है मेरे चैनल में बहुत सारे ऑर्डर का रिव्यू शेयर करती हूँ। आज मैं एक ऑर्डर का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ। काफी दिन हो गए हैं मेरे चैनल में कोई मेडिकेटिव क्रीम का रिव्यू नहीं दी थी। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक मेडिकेटिव क्रीम का रिव्यू दूंगी, क्योंकि अभी मैं अभी जो मैं रिसेंटली शैम्पू से फेस वॉश क्या बोलते क्रीम डेली क्रीम मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन ये ऐसा इस प्रोडक्ट पे रिव्यू बना दी थी, पर कितने दिन हो गए थे। मेरा जो बेसिक जो वीडियो था मैं जो लाती हूँ जो मुझे पसंद है मैं उस पर वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं एक मेडिकेटिव क्रीम का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इसका रिव्यू मैं शेयर करने आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं उस बहुत टाइम पहले मैं सोच रही थी उसका भी रिव्यू मैं शेयर करूंगी मेरे चैनल पे। बट मैं क्या वो क्रीम खरीदने तभी मैं क्रीम बाय नहीं की थी, तो अभी मैं तभी मैं क्रीम बाय नहीं की थी, इसी वजह से मैं मेरे चैनल पे वो उस क्रीम का रिव्यू मैं नहीं दी थी। तो आज मैं उसके भी क्रीम का रिव्यू दूंगी, फाइनल मैं उस क्रीम का रिव्यू दूंगी, जो कि मुझे काफी टाइम पहले मुझे उसका रिव्यू देना था तो टाइम नहीं हो पा रहा था। तो आज कितने दिनों के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ये रिव्यू देने के लिए। तो आज का जो मैं अपने फेस को वो जो कि स्किन लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है, तो आज मैं स्किन लाइटनिंग का क्रीम का रिव्यू दूंगी आपके साथ करने के। मैं उसे आई थिंक 2 महीने हो गए हैं उसे यूज करते हुए। 2 महीने यूज करने के बाद में अपना 2 महीने के यूज करने के बाद में अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कैसा वो क्रीम कैसा रिवॉर्ड किया मेरे पे, उसके बाद में आपको ये रिव्यू शेयर करती हूँ। तो ये मैं इसमें ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, कोई स्किन स्पेशलिस्ट भी नहीं हूँ, जबकि मैं आपको बता पाऊँ कि मेरे क्या है, क्या सही गलत, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ये करता। मैं इतना डिटेल में नहीं बोल सकती, पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। वहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए गलत भी हो सकती हूँ, कुछ लोगों के लिए सही भी हो सकती हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो क्रीम जो मुझे जो कैसे हुआ क्या है, वो इस वजह से उसका मुझे कैसे हुआ क्या है, उसका मेरी बुआ मुझे कैसे हुआ क्या मेरे स्किन पे, तो उसका मेरी बुआ आपके साथ शेयर करने के लिए उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, मैं अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आते हैं। आज का जो प्रोडक्ट है वो एक स्किन लाइटनिंग क्रीम के ऊपर बेस्ड है। तो आज मैं जो प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है एनजी ग्लो क्रीम, जो कि काफी क्या बहुत पॉपुलर है। और ये क्रीम स्किन लाइटनिंग के लिए स्पेशली यूज किया जाता है और काफी अच्छी क्रीम है। और अच्छी क्रीम इसके इंग्रेडिएंट में बता देती हूँ, पहले ये 20 ग्राम का है और इस मार्केट में इसका प्राइस 200 के अंदर है। मैं ऑनलाइन से खरीदी थी, जहाँ भी मैं ऑनलाइन में खरीदी थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके खरीद सकते हो उस क्रीम के थ्रू। तो गाइस ये वाला क्रीम कौन यूज कर सकता है, पहली बार सबसे पहला सवाल ये वाला, वो क्रीम है जिसको वो स्किन लाइटनिंग करता है, ऐसा नहीं है स्पेशली जो जिसके डार्क स्किन स्पॉट होते हैं या पिगमेंटेशन होते हैं फेस में, मेलेस्मा होता है और स्किन डल होती है, स्किन की में क्या बोलते हैं क्रीम पिंपल मार्क्स होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए ये क्रीम है। पहली बात ये स्मूथ वो लोग ये क्रीम यूज करते हैं क्रीम होता है, ऐसा नहीं है ये क्रीम है नहीं है स्किन गोरे होने के लिए आप यूज करो या आपकी स्किन ब्लैक है आप उसे इसके लिए यूज करो, नहीं सिर्फ उसी प्रॉब्लम के लिए क्रीम है जिसमें मैं बोल रही थी पिगमेंटेशन मेलेस्मा डार्क स्पॉट ब्लैक हेयर्स व्हाइट हेयर्स और क्या बोलते हैं एक्ने पिंपल्स मार्क, उसी पर्टिकुलर चीजों के लिए प्रॉब्लम के लिए स्किन प्रॉब्लम के लिए ये वाला क्रीम यूज किया जाता है, ये सबसे पहला चीज है। दूसरा चीज ये है ये क्रीम वो लोग यूज कर सकते जिसको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया होगा वो लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप प्रोडक्ट किसी का मेरे जिसमें मेरे यूट्यूब पे किसी भी गूगल ब्राउज में कोई भी चीजों में आप उसे देख के सीज करके जस्ट बिकॉज वो स्किन लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है बोल के खरीद कर आप इसे यूज नहीं कर सकते।
क्योंकि ऐसे यूज नहीं कर सकते। ये बहुत लोग ऐसे, काफी लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है बहुत बार ऐसी गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका स्किन बहुत खराब हो जाता है बिना कुछ जाने पहचाने। इसे रिव्यू देख के कोई भी हमारी स्किन लाइटिंग का काम करता है इसे खरीद के यूज कर देते हैं। तो मैं रिकमेंड बोलूंगी, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप डॉक्टर के पूछ के उनके प्रेस्क्राइब करने के बाद अपने स्किन टाइप को अगर पहले से आप ट्रीटमेंट स्किन टाइप को आप पहले से क्या बोलते हैं एग्जाम कर ले, अच्छे से देख ले आपके स्किन टाइप पे वो प्रोडक्ट शूट करता है कि नहीं, सारे चीजें डॉक्टर के पास स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके उनको पूछ के तभी जाके यूज करो, वो प्रेस्क्राइब करेंगे तभी जाके आप यूज करो, उससे पहले आप मत यूज करना। क्योंकि उसके बाद अगर आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उस चीजों का मैं ही गाइड नहीं लूंगी, कोई लोग भी गाइड नहीं लेंगे, क्योंकि आप इस चीजों का गलत वीडियो में यूज किया ना, आप पता नहीं आपकी स्किन पे वो ये करता है कि नहीं, क्या बोलते हैं वार करता है, क्या बोलते हैं शूट करता है कि नहीं, वो है मेन चीज है ना, वो मेन चीज है। अगर आपकी स्किन पे शूट नहीं करता आप बिल्कुल वैसे ही आप यूज कर रहे हो, बहुत गलत चीज है। बहुत काफी सारे ऐसे लोग हैं वो करते हैं, मुझे उन लोगों को पढ़े लिखे लोग भी ऐसे करते हैं, ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी, बिना डॉक्टर से बिना पूछ के बिल्कुल भी ना खरीदे। मैंने डॉक्टर से पूछा था, मेरा एक फ्रेंड है मेरा ये वो स्किन स्पेशलिस्ट है, उससे पूछ के ही मैं खरीदी थी, क्योंकि मेरी स्किन में क्या बोलते हैं वो टाइम अभी 4-5 महीनों से मेरी स्किन पे बहुत डार्क स्पॉट हो गए थे, काफी 4-5 जगह पे, ऐसा नहीं बोलूंगी पूरा स्किन पे, 4-5 जगह पे डार्क स्पॉट हो गए थे, अच्छा नहीं दिख रहे थे। तो इस वजह से मैं ये वाला क्रीम ऑर्डर की मैं पूछी थी, उसका रिकमेंड की थी उसको स्किन स्पेशलिस्ट देखे तो तभी इसने रिकमेंड किया था ये वाला क्रीम लगा के, आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो मैं इसीलिए मैं बोलूँ मैंने स्किन स्पेशलिस्ट कुछ ही कह रहे हैं। तो ये दो चीज हो गए जो आपको अच्छे से मैं बोलूँ, डायरेक्ट बोलूँ आप वो चीज प्लीज प्लीज मैं बार बार बोलूँ प्लीज आप वो चीजें डॉक्टर को बिना ये प्रेस्क्राइब किए बिना पूछे ये वाले केस मत खरीदिए। तो गाइस इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, तो गाइस ये 20 ग्राम का है, 200 के अंदर मिल जाता है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट है काफी अच्छा इंग्रेडिएंट है, और ये जैसे बच्चा वाला जो नहीं होता स्टेरॉइड टाइप का जो क्रीम नहीं, ये वो नहीं है, ये स्किन से लिखे सेफ है, बिल्कुल सेफ है, परफेक्ट है स्किन के लिए। तो इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या मिला हुआ है मैं आपको बोल देती हूँ। पहले है ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, आर्गोडीन, ऑक्सीनेट, अलाडीन, अलंटिन, विटामिन ई, पाइन बार एक्सट्रैक्ट, नियासिनामाइड क्रीम। तो नियासिनामाइड आप जो है वो नियासिनामाइड आप जो पिंपल्स क्रीम में काम कर रहा है, आप भी तो मार्केट हर क्रीम में नियासिनामाइड का मैक्सिमम क्रीम में नियासिनामाइड चला जाता है। और ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड जो ये जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से आपकी स्किन लाइटिंग होती है, काफी क्रीम में आजकल ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड मिला जाता है। ये ग्लाइकोलिक एसिड और कोजिक एसिड ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट है स्किन लाइटिंग के लिए, बस आपको ये जानना है। मैं सिंपल वर्ड में समझा रही हूँ, बाकी और क्या है क्या नहीं है वो अलग चीज है, बस ये दोनों चीजें मेन है स्किन लाइटिंग के लिए। अगर किसी भी क्रीम में ग्लाइकोलिक एसिड और कोजिक एसिड मिला हुआ है उसका परसेंटेज, तो मतलब वो गारंटेड आपकी स्किन पे वर्क करेगा, स्किन लाइटिंग करेगा। पर डिपेंड करता है कि सबका स्किन टाइप कैसा अलग कैसा है, स्किन पे सबका स्किन टाइप डिफरेंट होता है, इस वजह से सबका क्रीम भी अलग अलग किसके सूट स्किन पे सूट करता है, किसके स्किन पे नहीं सूट करता है। तो इस वजह से मैं बोलूंगी सबका अलग डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एक्सप्रेस हो सकता है। मेरा सही जाए मतलब इसका मतलब ये नहीं है आपका भी सही जाए परफेक्ट जाए, तो इसके लिए ये सब इंग्रेडिएंट है। और गाइस तो मैं दिखा देती हूँ क्रीम कितना है, तो गाइस ये क्रीम है ये आप देख सकते हो, पैक्स में दिखा रही हूँ। तो गाइस ये जो क्रीम है आप देख सकते हो इसमें 20 ग्राम का है, तो आराम से आप लगा सकते हो, अगर अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है तभी आप लगा सकते हो। तो गाइस इसको यूज कैसे करते थे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो आपको अप्लाई पीसेस अमाउंट ऑफ क्रीम ऑन टू द फेस, अप्लाई मॉर्निंग और एट नाइट, और एज ए डायरेक्टर बाय फिजिशियन, अवॉइड एक्सपोजर टू सनलाइट। तो गाइस इसमें जो लिखा हुआ है मैं बोलूं, उसमें लिखा हुआ है आप दिन में लगा सकते हो और रात में लगा सकते हो, दिन में 2 बार लगाओगे डेली बेसिस पे, लगा दिन में 2 बार लगाओगे, और गाइस नहीं तो आपको डॉक्टर ने जैसे प्रेस्क्राइब किया होगा आप ऐसे करोगे।
और दूसरा चीज है आपको संस्कृत सन एक्सपोजर में नहीं आना है, मतलब बाहर आपको नहीं निकलना है, आपके फेस पे धूप नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वाला क्रीम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी, काफी लोग ऐसा करते हैं जो भी वो स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं कि कोई भी क्रीम यूज करते हैं ना तो वो सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं, रेगुलर सनस्क्रीन नहीं लगाते और बाहर जाते हैं बिना सनस्क्रीन के, तो और तभी जाके स्किन और ज्यादा जब वो बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं जो मैंने स्किन लाइटनिंग क्रीम यूज किया है उसके बाद मेरे फेस जब लगाना छोड़ दी हूँ तब उस डैम हो जाते हैं। गाइस इसका प्रॉपर वे होता है यूज करने का, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर वे होता है इसे यूज करने का। जब भी आप कोई स्किन लाइटनिंग की क्रीम यूज कर रहे हो हमेशा कोशिश करो सनस्क्रीन यूज करने की जो कि मिनिमम 30 से तो हो सकता है 30 PA नहीं तो 50 PA इसी टाइप के सनस्क्रीन आपको लगा इसी टाइप के आपको सनस्क्रीन और सनस्क्रीन जरूर लगाना है रेगुलर बेसिस अगर आप इसकी टाइप के क्रीम लगा रहे हो तो सनस्क्रीन ऐसी चीज है बिल्कुल स्किप मत कीजिए। क्या बोलते हैं तो बोल रहा हूँ 3-4 बार अपने फेस पे अप्लाई करें अगर आप ये क्रीम यूज करो क्योंकि तब भी आपकी स्किन डैमेज होने से बच सकती है और ये अच्छा वर्क करेगा। और गाइस मैं रिकमेंड में कैसे आपको मैं ये वहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिख दीजिए कैसे यूज करते हैं बोलो तो मैं कैसे यूज करती हूँ मैं बोलूँ कि आपको कैसे यूज करना है सेफ तरीके से। तो पहली बार आपको पहले फेस वॉश करना है सुबह और शाम को दो बार आप फेस वॉश कर लो उसके बाद ये वाला क्रीम यूज करो। जब आप मॉर्निंग में ये वाला क्रीम यूज कर रहे हो तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाओ और सनस्क्रीन जरूर लगाओ रात को अगर आप यूज कर रहे हो। और गाइस क्या बोलते हैं ये वाला क्रीम जब लगाते हैं ना तो कोई भी स्किन लाइटनिंग क्रीम लगाते हैं तो आपका फेस जब भी आप स्किन लाइट लगाते हो तो आपका फेस ड्राई हो जाता है। इस वजह से मैं बोलूंगी आपको सनस्क्रीन लगाना है मॉइस्चराइजर एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर और अच्छा सा सनस्क्रीन एक अच्छा सा सनस्क्रीन और एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर जरूर डेफिनेटली आपको यूज करना है क्योंकि वो एक ऐसी चीज है आपको डेफिनेटली यूज करना है। तो मॉइस्चराइजर स्किन अगर आपकी स्किन ये लगाते ये क्रीम लगाते हो तो आपकी स्किन ड्राई भी हो जाती है ना तो आपकी मॉइस्चराइजर उसके ये हो जाते हैं प्रोटेक्ट कर लेता है तो आपको स्किन इतना डार्क नहीं होगी। सनस्क्रीन लगा लोगे तो आपकी स्किन भी अच्छा दिखेगा। तो जब भी आप ये क्रीम लगाओ ये दोनों चीज जरूर लगाओ और मैं रिकमेंड करूंगी आपको इसे रेगुलर बेसिस पे आप मत लगाओ हफ्ते में 2-3 बार लगाओ और पर्टिकुलर उस एरिया पे लगाओ जहाँ पे डार्क पिगमेंटेशन है डार्क स्पॉट है जो भी क्रीम मार्क्स है जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसी जगह पे ही पर्टिकुलर लगाओ। पूरा स्किन पे लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है पूरा स्किन पे लगाओगे तो स्किन पतला हो जाएगा तो इसका है। तो आप अगर अच्छे से नहीं लगाओगे तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। बोलते हो नहीं ऐसा क्रीम है मैंने स्किन को डैमेज कर दिया इसी वजह से मैं बोलूँ आपको एक अच्छा सी चीज लगाना है। बाकी आप सनस्क्रीन लगाना है तो मैं बोलूँगी आप हफ्ते में 3 बार लगाइए और एक 1-2 मंथ अप्लाई कीजिए। अगर 1 मंथ स्टार्टिंग पे 15 डेज में अगर आपको वर्क दिख रहा है आपके स्किन पे बैठे वर्क कर रहे हैं तो अभी उसके बाद 15 डेज के बाद कंटिन्यू करिए नहीं तो इमिडिएटली आप उसे यूज करना छोड़ दीजिए क्योंकि आपकी स्किन में वो वर्क नहीं कर रहा है। अगर वर्क नहीं करता आपकी स्किन वो वर्क नहीं कर रहा तो वैसे ही आपकी स्किन डैमेज कर रहा है। ऐसे कोई भी मेडिकल क्रीम आपकी फेस पर ना लगा के और स्किन को खराब मत कीजिए इमिडिएटली आप उसे छोड़ दीजिए। अगर 15 डेज के बाद आपकी स्किन पे अच्छा रह रहा है अच्छा काम कर रहा है तो डेफिनेटली आप रिकमेंड करूंगी आप एक और महीने 1-2 महीने के लिए यूज करें उसके बाद आप इसे धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कीजिए छोड़ना यूज कीजिए। बाकी ये सेफ क्रीम है इसमें कोई ऐसा क्रीम नहीं ऐसा केमिकल नहीं है जिसके आपको स्किन डैमेज कर सकता है क्योंकि स्टेरॉइड क्रीम नहीं है वैसे अच्छा क्रीम है डॉक्टर का द्वारा बहुत प्रेस्क्राइब भी बहुत लोगों को होता है तो इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है आपकी स्किन डैमेज कर सकते हैं। तो ये हो गया कैसे आपको यूज करना है। तो अभी मैं बताऊंगी इसकी साइड इफेक्ट। तो पहला साइड इफेक्ट होता है ड्राई होती है स्किन तो इसका मैं ये बोल रही हूँ जब भी आप इसी क्रीम यूज करो मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। सेकेंड चीज है स्किन पतला कर देता है अगर आप इसका ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं क्रीम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा लेते हैं जितना उसका लिखा जाता है मिनिमम आपको इतना लेना है। इस टाइप की क्रीम जो भी आप स्किन लाइन पे लगा रहे हो मिनिमम इतना ही लेके अपने स्किन पे जितना जो एरिया पे फेस पे है उसी तक लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे इतना ले लेते हैं
और फेस पे लगा लेते हैं, उसके बाद स्किन पतला हो जाता है। नहीं कीजिए आप हमेशा कम क्वांटिटी में लगाइए, वर्क कर रहा है धीरे धीरे को कम क्वांटिटी में लगाइए तो वो डेफिनेटली वर्क करेगा। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगा हो पर हाँ स्किन पतला हो जाता है अगर आप किसी भी स्किन लाइट को ज्यादा टाइम तक यूज करते हो, स्किन लाइट वो पतली आपकी क्या बोलते स्किन पतली हो जाती है। थर्ड चीज साइड इफेक्ट ये है स्किन पिलिंग ही होती है। यस, ये वाला क्रीम लगाने से आपका ड्राई हो जाता है, चीजें हो जाती है बहुत सारे क्या बोलते हैं ड्राई हो जाता है आपकी स्किन क्या बोलते हैं अच्छे से उसका अच्छे वे में क्या बोलते हैं जैसे स्टेप होता है ना उसे आप ना फॉलो करके आप यूज कर रहे हो तो स्किन में पिलिंग यूज कर रहे हो तो स्किन में पिलिंग हो सकती है। 100 बहुत कहेंगे 100% पिलिंग होने के लिए। अगर आप जब छोड़ते हो तो आप उसका स्किन आपके डॉल हो जाती है। ये आपको भी डेफिनेटली ये वाला क्रीम जिससे यूज करते हो स्किन डॉल होती है तो इस वजह से मैं बोलती हूँ आप कभी भी पूरी स्किन पे मत लगाइए, पर्टिकुलर उस जगह पे लगाओ जहाँ पे आपका कोई प्रॉब्लम है उसी जगह लगाओ। फिफ्थ साइड इफेक्ट ये है क्या होता है ना आपको ये वाला क्रीम थोड़ा सा क्या बोलते हैं अगर आप साइड अगर बाहर आप बिना सनस्क्रीन के यूज करोगे तो पूरा ब्लैक हो जाएगा आपका फेस। यस, डेफिनेटली आपकी स्किन पूरा ब्लैक हो जाएगा। अच्छी वजह से मैं बोलूँ सनस्क्रीन जरूरी कीजिए, बाहर जाना स्किप कीजिए अगर जरूरी है, सनस्क्रीन लगाइए आपका फेस अच्छे से कवर कीजिए नहीं तो आपका फेस के कवर कीजिए। और वही बात एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी इस बारे में ये वाला स्किन लाइटिंग क्या होता है कि डेज में कोई भी स्किन लाइटिंग की क्रीम वर्क नहीं करता, इसलिए मैं बोलूंगी आप विंटर डेज में स्किप करके कोई अलग सीजन में अप्लाई कीजिए तो डेफिनेटली वो अच्छा काम करेगा। अगर आपका अच्छा काम कर रहा है डेफिनेटली आप ये स्किन यूज कर सकते हो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। मैंने जितना यूज किया है मुझे स्किन लाइटिंग हुए हैं, मैं ये नहीं बोल रही मुझे इतना गोरा हो गया, बस पर्टिकुलर इस एरिया पे अभी मैं दिखा दूंगी पर्टिकुलर इस एरिया में मैं लगा कर भी आपको दिखाऊंगी। पर्टिकुलर इस एरिया में मुझे डार्क स्पॉट हुए थे, बहुत अच्छे डार्क स्पॉट हुए थे तो वो हट गए हैं अभी बेटर हो गए हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी पूरा हट गए हैं पर बेटर हो गए हैं, डेफिनेटली मेरी स्किन पे हुआ क्या है तभी तक मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी क्या कर रही हूँ तो अभी मैं उसको दिखाऊंगी मेरी स्किन पे मैं कहाँ क्या लगाती हूँ किससे कितने अमाउंट पे लगाती हूँ अपनी स्किन पे। इस पे क्या बोलते थोड़ा सा ये क्लोज की हूँ। और गाइस अब बात मैं बोलना चाहूँ मैं थोड़ा सा मेकअप की हूँ तो मैं इसे थोड़ा सा आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ नहीं तो मैं अच्छे से उसका क्या बोलते हैं यूज मैंने लगा के था कैसे वो ये करती जैसे बताया मतलब तो गाइस तो जिस जगह फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा पर्टिकुलर इस जगह पे मैं यहीं पे लगाती हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा यहाँ पे स्पॉट है तो थोड़ा सा लेके तो इतना सा ये क्रीम इतना अमाउंट पे देख सकते हो इतना अमाउंट पे लेती हूँ इतना ही मैं लगाती हूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कोई भी क्रीम मैं ज़्यादा अमाउंट पे नहीं लगाना चाहती क्योंकि अगर लगाओगे तो आपके डेफिनेटली वो साइड इफेक्ट देंगे तो मैं भी थोड़ा सा इसी जगह पे सुबह ऐसे करके और मैं इसके बाद मैं जब भी लगाती हूँ सनस्क्रीन जरूर यूज करती हूँ और ऐसे ही लगा के सिर्फ पर्टिकुलर जिस एरिया पे है मेरा मैं वैसे ही एरिया पे लगा रही हूँ और हर जगह पे मैं नहीं लगा रही हूँ मेरी स्किन पे मैं क्योंकि आपको ये खराब हो सकते हैं आपको कोई भी क्रीम कोई क्या बोलते हैं पूरी फेस में नहीं लगाना चाहिए तो मैं लड़के बन के ये करूँगी आप सबको ये बोलूँगी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कल बोलूँगी इस तरह की क्रीम आपकी पूरी स्किन पे मत लगाइए पर्टिकुलर जिस जगह पे है आपका पिगमेंटेशन वही लगाइए नहीं तो आपको क्या बोलते हैं अंडर आर्म्स की डार्कनेस उसमें भी लगा सकते हो यहाँ पे जो होता है डार्कनेस आप लगा सकते हो एल्बो नी में एरिया में जो भी होता है डार्कनेस आप उस एरिया में लगा सकते हो परफेक्टली वो वार करेगा डेफिनेटली आपको वार करेगा बट आपको रेगुलर लगाना है स्किन की में तो फेस पे पूरा लगाने की जरूरत नहीं है एक लिमिटेड टाइम के लगे लगाइए और धीरे धीरे करके उसे छोड़िए क्योंकि ये वाला क्रीम ज्यादा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है आपकी स्किन पे ये करके अगर आपके डार्क स्पॉट ठीक हो रहे हैं उसके बाद आप इमिडिएटली उसे स्टॉप कीजिए जरूरत नहीं है आपको बहुत जल्दी जरूरत नहीं है आपको उसको परमानेंट यूज करने के लिए। ये था उस चीज का मेरा एक्सपीरियंस मैं बोली कैसे एक्सपीरियंस मैंने कैसे लगाया क्या साइड इफेक्ट एवरीथिंग। और एक बार मैं बोलूँगी अगर आप इस रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो जरूर मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं इस क्रीम रिलेटेड मैं उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूँगी।
और मैं इसे क्रीम डेफिनेटली क्रीम वर्क करता है। मैं हाईली रिकमेंड भी करती हूँ जो आप अगर आपका स्किन प्रॉब्लम में ऐसी चीज़ें हैं तो आप जरूर कीजिए, यूज कीजिए और लगाते वक्त आपका फेस को प्रॉपर वे में लगाइए, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बोली हूँ। सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और हाँ गाइस, और एक बार बोलूँगी, जब इस टाइप के क्रीम लगा आप थोड़ा सा अंदर से क्या बोलते हैं पानी पीना जरूरी है, हेल्दी डाइट मेंटेन करना जरूरी है, तभी जाके आपका स्किन ग्लो करता है। इस तरह की क्रीम आपको लगाना, सिर्फ फेस में पूरे नहीं होते, पर्टिकुलर एक डाइट प्लान होता है कि प्रॉपर पानी पीना होता है, वाटर ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, आप पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, क्योंकि मैं तो बोलूँगी मिनिमम 2-3 लीटर आप पानी पीजिए, इससे आप स्किन की क्या पता बहुत अच्छा ग्लो आएगा और अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। उस टाइम आप ये वाला क्रीम जरूर यूज कीजिए, तो ये वाला क्रीम आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। और इस ये था आज का वीडियो स्प्रे, ये था आज का रिव्यू स्क्रीन पे और स्क्रीन पे, अगर आप इसकी पूछना चाहते हो डेफिनेटली पूछ सकते हो। तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मैं होगा मैं आप सबको फ्यूचर में और बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू मैं जरूर मेरे चैनल पर शेयर करूँगी इस तरह का वीडियो, और आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। अगर किसी लगे लगाने के बाद आपको उसको हेल्प और हेल्प हुआ कोई भी ये क्रीम यूज करते हो तो उस आपका भी एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, आपको कैसे क्या आया कैसा एक्सपीरियंस में जरूर पढ़ने की कोशिश करूंगी डेफिनेटली। और ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ आप सबके वीडियो के सामने पढ़ने के साथ, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।